से बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपका जो रेस्टोरेंट है काफी, आप लोगों को हैट्स ऑफ है कि इस टाइप से आपने शुरू किया है। कैसा फील हो रहा है आप जैसे ट्रांसजेंडर टाइप में? प्राउड फील कर रहा हूं मैं। यहां मैं सौरभ आपका चैनल पटना स्टैंड पे मैं आ गया हूं। एक सतरंगी रेस्टोरेंट खुला है मोना सिनेमा हॉल के जस्ट पीछे, जो गली में हम लोग जो पार्किंग करते थे उसके बगल में खुला है। चलते हैं सीधे रेस्टोरेंट में समय वेस्ट किए हुए। काफी ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। गाइस मैं पहुंच गया हूं सतरंगी रेस्टोरेंट में, और मैं आपको बता देता हूं कि इसका एड्रेस कितना सिंपल है। मोना सिनेमा हॉल के बगल से एक गली जाता है जिसके पीछे हम लोग पार्किंग करते हैं गाड़ियों का, बाइक का, उसके बगल में आपको ये दिख जाएगा बड़ा सा बिल्डिंग, और आराम से आप आ जाएंगे। इजली पार्किंग, आराम से पार्किंग लगाइए, काफ़ी बड़ा स्पेस है। और रेस्टोरेंट का प्लान कैसे आया और ये कब खुला है इसके बारे में बता दीजिए पहले। रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ था 23 जून जी, और इसका प्लान था कि हम लोग जॉब पे बहुत ट्राई करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यहाँ पे काम करते हैं जी जी जी, और सी जेंडर भी काम करते हैं, तो जॉब की बहुत जगह अप्लाई की, जॉब नहीं मिलता तो फिर रेशमा प्रसाद मैंने सोचे कि थोड़ा मतलब हम ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों में जुगता पहले कि हम लोग काम कर सकते, जॉब कर सकते, और स्टडी का बहुत दिक्कत होता था, जॉब कर नहीं सकते थे पार्ट टाइम, तो स्टडी करने में बस कुछ लेने में अपना पैकेज पैसा उठाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैम कुछ प्लान करके। जैसा आप देख सकते हैं, जैसा वीडियो में इन्होंने बताया, जो हमारी मासूम है वो उन्होंने बोला कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये इंडिया में कह सकते हैं कि पहला ऐसा रेस्टोरेंट है, पहला ऐसा प्लानिंग है जो कि ऐसा खुला है, और सच में हैट्स ऑफ इन लोगों को जो ऐसा रेस्टोरेंट हमारे यहाँ पे आए हुए हैं इस रेस्टोरेंट में, सतरंगी रेस्टोरेंट में। तो उनसे पूछते हैं कि ये खाना खा लिए हैं, कैसा फीडबैक है? तो भैया आपका नाम क्या होगा बताइए। मेरा नाम राहुल है। कैसा लगा खाना खा रहे हैं? खाना तो काफ़ी बेहतर लगा, और यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट भी काफ़ी बेहतर है। कैसा फील हो रहा है आप जैसे ट्रांसजेंडर टाइप में? प्राउड फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, इसलिए क्योंकि हमारे समाज का जो एक अभिन्न अंग है जिसे लोग इग्नोर करते हैं जी, बट उन लोगों ने अपने बदौलत इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोला है, तो इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। हमारे स्टार्टअप को भी, हमारे युवा को भी इस बात इनसे प्रेरणा लगी। बिल्कुल बिल्कुल। खाने का रेट क्या लगा आपको, कैसा लगा यहाँ? खाने का रेट है अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो एवरेज या हाई? ऑन एन एवरेज बेटर है। ओके। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक मिडिल क्लास के इन पॉकेट के हिसाब से बेटर है। तो आप हमेशा यहाँ पे आना चाहेंगे अपने इंटरवल बेसिस पे? या। चलिए बहुत बढ़िया। मैम कुछ आप बताना चाहेंगी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आप कुछ बताइए। चल रहे हैं एक जगह रेन डांस का इन्होंने प्रबंध कर रखा है, तो हम लोग चल के वहाँ देखते हैं कि कैसा वो। मैं आपको इस एरिया को दिखा दूँ, ये एरिया है जो कंप्लीट रेन डांस के लिए अवेलेबल किया गया है हमारे कस्टमर्स के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेन डांस के लिए जो फवारे हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ लग चुके हैं, और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार होगा जब ये रेन डांस होगा। और देख सकते हैं काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, जब न्यू ईयर पार्टी या क्रिसमस पार्टी आएंगे या होली दिवाली ऐसा कोई फेस्टिवल आएगा तो उस समय यहाँ पे आना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और आपका नाम क्या हुआ भाई? जी तो आप ये बताइए कि क्या, हाँ जी, क्या यहाँ पे रेट क्या होगा रेन डांस का, अगर कोई कपल आता है या कोई सिंगल आता है तो? जी अभी तक तो हम नए नए हैं, अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछा नीचे में भी आपको पता। अभी गाइज जो, हाँ नीचे मैं आपको बता दूंगा कि रेट क्या है। रेट काफ़ी सिंपल है जैसे मैंने सुना है, और देखिए कितना बढ़िया, आप मैं दूर से दिखाता हूँ कितना बढ़िया यहाँ का जो सजावट है कितना अच्छा से किया हुआ है। ऊपर देख रहे हैं कि गमले के अंदर जो है फैसिलिटी दिए हुए हैं, काफ़ी रात में जब शाम में यहाँ पे जब रेन डांस के लिए लोग आएंगे ना तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये है रेन डांस वाला एरिया, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं रेस्टोरेंट में। बता दूँ इतना यहाँ पे स्पेस है कि आप बर्थडे पार्टी और छोटे मोटे इंगेजमेंट पार्टी के लिए अभी आप ये प्लेस को हायर कर सकते हैं, तो आराम से आप आइए और यहाँ पे बस इंजॉय कीजिए। और अभी तो गर्मी काफ़ी है, तभी मौका है आपको आने का और यहाँ इंजॉय करने का, खासकर नाइट में। टाइमिंग में बताता हूँ, कुछ देर में बने रहिए व्लॉग में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक शॉर्ट तरीके में आपको सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का एक मेन्यू दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं। आप देख सकते हैं ये जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के रेट हैं, और यहाँ पे आप हॉट कॉफ़ी या हॉट जो भी चाय या कैपेचिनो के रेट्स हैं, टी के रेट्स हैं, और ये स्टार्टर वेज के रेट हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर आपको दिख रहा होगा, स्टार्टर नॉन वेज के रेट है, काफ़ी नॉर्मल रेट्स हैं, बहुत हाई नहीं है, और आराम से लोग यहाँ पर आकर सिंपल अपने एवरेज पॉकेट के कमाई से यहाँ पे आराम से आप फैमिली लेके खा सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स हैं। आपसे पूछनी थी, जैसे ऊपर में हमने देखा कि रेन डांस के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, काफ़ी लाइट्स है, काफ़ी अच्छे फवारे लगे हुए हैं, बट दर्शक जान चाहेंगे उसका रेट क्या है, क्या कॉस्टिंग है? एक्चुअली उसका रेट तो अभी मतलब स्टार्टिंग है, तो उसका रेट वो नहीं हो पाया है, सब क्लियर नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे आके उनको बात करना होगा, और उसके हिसाब से कितने लोग आएंगे और कितना मतलब जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से उतना रेट होगा उनका। तो अभी गाइस जैसे ये बता रही है कि अभी ये रेट अभी डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी नया है, तो जैसे आप लोग आते हैं अगर आप लोग को पार्टी इंगेजमेंट का कुछ ऐसा प्लान है तो आके इनसे बात कीजिए, इनसे मिलिए, वो रेट जो भी है आपका फाइनलाइज हो जाएगा।
से बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपका जो रेस्टोरेंट है काफ़ी आप लोगों को हेड्स ऑफ है कि इस टाइप से आपने शुरू किया है और आपकी कम्युनिटी ने शुरू किया है, खासकर इंडिया में आशा करते हैं कि पहला टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। और हम लोग की तरफ से बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आपने ऐसा रेस्टोरेंट खोला है, और हम लोग चाहेंगे कि आपका रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर हो, हमारे माध्यम से भी लोग आएँ और यहाँ खाना खाने आएँ, और बस फिर आपसे मिलेंगे और हम लोग भी फैमिली लेकर आएँगे यहाँ खाना खाएँगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आया हूँ रेस्टोरेंट में, अगर कुछ मैं ट्राई नहीं करूँ तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा, इवन मुझे खुद ख़राब लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चाय एटलीस्ट ट्राई करता हूँ यहाँ का। अभी कुछ देर में चाय आने वाली है और मैं चाय पी के बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। और आप बहुत ही फ्रेंडली फील होगा यहाँ पे गाइस, बहुत ही अच्छा फील होगा। आप आइए और यहाँ पे इंजॉय कीजिए, बात कीजिए, इवन गपशप मारिए, सभी काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे, और खाना खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं चाय पी लिया हूँ, मैं जा रहा हूँ घर, और चाय काफ़ी टेस्टी है। आपने देखा रेस्टोरेंट हमारा ट्रांसजेंडर स्पेशल रेस्टोरेंट है और नाम है सतरंगी, तो आपको ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अब जब आते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो अगर ये आपको व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने इस बारे में, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।